नमना रहे। 14 जून 2016 और मंगलवार का दिन है और मैं आपके सामने हूँ हृदय से, खुले हृदय से, कि आपके कष्ट मिटे, आपकी परेशानियों का निवारण हो और आपके जीवन में सहजता और सरलता आ जाए। ना मैं गांठ रखता भाई और ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग गांठ रखें। गांठ हमेशा दुखों का कारण होता है और अपनों से कभी धोखा होना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मुस्कुराइए, इन आंखों में देखिए और विश्वास के साथ देखिए, ये आंखें आपके साथ कभी धोखा नहीं करी है ना आगे कभी करेगी। बस इन आंखों में देखते हुए ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रयास खूब करता हूं लेकिन आप इस बात को कभी इनकार नहीं कर सकते कि मैं भी मानव हूं भाई, मानवेतर गुण है, गलतियां संभव है और हर गलती के लिए क्षमा प्रार्थी और विश्वास दिलाता हूं कि एक गलती दोबारा नहीं करूंगा कभी। कोशिश, मैं ये नहीं कह सकता गलती नहीं होगी लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी, ये पूर्ण विश्वास और प्रयास रहेगा मेरा। हम सब लोग इंसान हैं और मनुष्य को अपनी गलतियों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी जीवन सहज और सरल हो पाता है। क्योंकि बहुत बड़ा साधक सिद्ध फकीर तो हूं नहीं, इंसान हूं, मेरी आराध्य देवादि देव शनिदेव है और उनकी सिर चरणों में रहते हुए ओम शाम शनिश्चराय नमः, ओम शाम शनिश्चरा, और यही मेरी अमानत है, यही मेरा खजाना है, यही मेरी तिजोरी है कि ओम शाम शनिश्चरा। ये खजाना मेरे पास ओम शाम शनिश्चरा है, मेरा राष्ट्र सुखी रहे ओम शाम शनिश्चरा। कुछ मित्रों ने मेरे से कहा दाती महाराज नींद ही नहीं आ रही, हमसे नींद दूर भागती है। और मैं देख रहा हूं आजकल नींद न आने की बीमारी बढ़ गई और नींद न आने के कारण नींद लाने वाली गोलियों का खुलकर प्रयोग होता है। अगर किसी को ये बीमारी है और नींद नहीं आ रही है तो ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें, बिस्तर पर लेट जाइए, शरीर को थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ढीला, परेशान मत होइए, सांसों को अपनी गति से आने दीजिए, अपनी गति से छोड़, कोई उसमें इंटरफेयर मत करिए और विचारों को देखना शुरू करिए। धीरे 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 जो भी विचार हो रहा है आप उसके साक्षी बात होते, विचारों पे रुकना नहीं, उन विचारों को देखते रहिए। धीरे धीरे 100 की गिनती गिनना शुरू करिए, जब 100 की गिनती गिन ले थोड़ा सा श्वास रोकिए और श्वास रोकने के बाद मन ही मन ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः 21 बार ये अभ्यास करिए। प्रारंभ में थोड़ी सी बेचैनी होगी लेकिन धीरे धीरे देखना कि नींद इतनी आराम से आएगी कि तनाव रफू चक्कर हो जाएगा। ये अद्भुत प्रयोग है, आप करके देखिएगा। नवनयन बात करते मंगलवार के पंचांग की, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी, विक्रम सं 2073 और मंगलवार का प्रातकाली नक्ष हस्त नक्ष चंद्रमा कन्या राशि में। बात उनकी कहते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 14 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह है, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, भगवान शनिदेव से मेरी प्रार्थना। 14 जून आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, प्रयासों के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे, आपकी शिक्षा में अनावश्यक बाधाओं का सामना, परिवार में कलह है, कारोबार को लेकर धन को लेकर आप परेशान हैं। तो कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में, अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ दगा ना करें, कभी शादी की हुई बहन बुआ शाली और बेटी के घर जाकर अपना निवास स्थान ना बनाएं और नैतिकता का दामन पकड़ के रखें, रिश्तों की कदर करें और लगातार 40 बुधवार हरे कपड़े निधन गरीब कन्याओं को दान में दीजिए और ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे दुर्गा नवरान मंत्र, इसका जाप नियमित जीवन भर करते रहेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और अब मैं आपको ले चलता हूँ नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रहनक्षत्र, आपके लिए बात करते हैं मंगलवार के राशिफल की। मेष राशि, सितारों की चाल अनुकूल है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, किसी सभा और गोष्ठी में जाने का अवसर मिलेगा, घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है,
क्या ना करें, अनजान लोगों से मित्रता ना करें। अब बात करते वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। समाज में आपका मान सम्मान और रुतबा बना रहेगा और सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यात्रा चाहे धार्मिक हो चाहे व्यापारिक, लाभ मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा खर्चे को बैलेंस करने की कोशिश करना। सारा दिन खुशियों से भरा रहेगा। क्या करें, सफलताओं के लिए वाणी में आज थोड़ी और अनुकूलता रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें तो व्यर्थ के विवादों में ना पड़े नमोनंद। और बात करते हैं अब मिथुन राशि की। नक्षत्रों की गणना। मिथुन राशि वाले, आज संकेत दे कि समय अनुकूल नहीं है। भाग्य आपकी पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान पर ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है आज। कारोबार में अनावश्यक वाद विवाद न बढ़े, इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे यात्रा धार्मिक हो चाहे व्यापारिक, इस प्रस्ताव पर विचार करना बहुत जरूरी, क्योंकि लंबी यात्रा आज अनुकूल नहीं है। भौतिक सुख साधनों की कमी है। निर्मूल शंका और विवाद बढ़ सकता है और परेशानी है। सुबह से लेकर शाम तक परेशानी है। आज किन्नर को हरी वस्तुओं का दान देना आपके लिए शुभ रहेगा। क्या करें, थोड़ा सा चाहे वो घरेलू वातावरण हो, चाहे प्रशासनिक वातावरण हो, चाहे कारोबारी वातावरण हो, अनुकूल बनाने का प्रयास ज्यादा करें। क्या ना करें, अनावश्यक खर्चा आज ना करें। नमो नारायण। मेष वृषभ मिथुन की बात करी, अब कर्क सिंह और कन्या की बात करूं, लेकिन उससे पहले राहुकाल और आज की यात्रा। मंगलवार का राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी है आपकी। और बात करते मंगलवार की यात्रा की। मंगलवार दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ रहेगी। मैं कहता हूँ कि चारों दिशा में यात्रा करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की का स्पर्श करिए, मूर्ति का स्पर्श करिए, घी का दीपक जलाइए, 8 गुलाब के पुष्प भेंट करिए और गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पर निकले। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। सरकार से लाभ मिलेगा और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में आशा अनुकूल विस्तार और वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ बढ़ेगा। परिवार का सहयोग मन को प्रसन्नता प्रदान करेगा। मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करें, अच्छा रहेगा। क्या ना करें, भाई बंधुओं से संबंध ना बिगाड़े। नमूने ने बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, कार्य व्यवसाय संबंधी नई योजनाएं बनेगी, ये पूरी होगी, इसका लाभ भी मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। आध्यात्मिक रुचि बनेगी। धन और समय का सदुपयोग करेंगे तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। आज सिंह राशि वालों, कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, कार्य में जल्दबाजी नहीं करना। न मना रहे, क्या करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। क्या ना करें, किसी को झूठा आश्वासन न दे। न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। रुपये कार्य संपन्न होंगे और धन लाभ बढ़ेगा। साहस और पराक्रम तेज होगा। कुटुंब और परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। कार्य व्यवसाय में सहयोग प्राप्त होगा। समय शुभ है, उत्तम है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां है। क्या करें, पुराने वाद विवाद को आज समाप्त कर दें। क्या ना करें, अनजान लोगों की बातों में ना आए। न मना रहे। कर्क सिंह और कन्या की बात करी, अब बात करूं तुला वृश्चिक और धनु की, लेकिन उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। आज की वास्तु सलाह, मकान में दर्पण को लगाते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके लिए हमेशा उत्तर पूर्व दिशा ही उत्तम मानी गई है दर्पण लगाने के लिए। घर के भारी सामान जैसे अलमारी, संदूक, भारी वस्तुओं के लिए दक्षिण या दक्षिण पश्चिम स्थान चयन करना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा वास्तुशास्त्र कहता, आप देख लेना। और बात करते मंगलवार के सुझाव। यदि व्यवसायिक परेशानी है या कैरियर संबंधी कोई कष्ट है तो आप सभी लोगों के लिए आज के दिन एक उपाय, आज दिन नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत हनुमान जी की श्रीचरण में प्रणाम करें। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। संपूर्ण कारोबारी और कैरियर परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमन बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, ग्रह गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल।
आज साझेदारी के व्यवसाय में हानि की संभावना नजर आ रही है, पैनी नजर रखना भाई। मानसिक तनाव, पारिवारिक वाद विवाद न बनने दें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, आय ठीक ठीक है इसलिए खर्चा सोच समझ के करें, खर्चे पर नियंत्रण रखना भी जरूरी। सुबह से लेकर शाम तक तुला राशि वालों थोड़ी सी सावधानी। आज गरीब कन्याओं को श्वेत वस्त्रों का दान दीजिए, दूध का दान दीजिए, चावल का दान दीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्या करें, संयम और विवेक से कार्य करें, क्या ना करें, नया सौदा या प्रस्ताव स्वीकार ना करें ना मना रहे। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, ग्रहगोचर की स्थिति शुभ और अनुकूल है, कारोबारी स्थिति में परिवर्तन होगा, उसका लाभ आपको मिलेगा, धन में बढ़ोतरी होगी, मनोनुकूल से कार्य संपन्न होंगे, धन संबंधी समस्या का समाधान होगा, दाम्पत्य जीवन सुखद और खुशहाल रहेगा, सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, क्या ना करें, व्यावसायिक समस्याओं को अनदेखा ना करें। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं, सितारों की बात कर रहा हूं, और गोचर बड़े सुखद हैं, शुभ है, सफलता से भरे हुए हैं, स्थान परिवर्तित करना लाभदायक रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता उन्नति और धन लाभ प्राप्त होगा, सामाजिक वर्चस्व और शास और पराक्रम बढ़ेगा, मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी और वरिष्ठ लोगों की मित्रता लाभप्रद रहेगी। क्या करें, इन सारी सफलताओं के बावजूद भी कहना चाहते हो कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें, कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। नमो नारायण। तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ और मीन की बात करूं, उससे पहले एक उपाय और अद्भुत देसी नुस्खे। कठिन मेहनत, कड़ी परिश्रम के बावजूद भी व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, लाभ नहीं हो रहा है, दुकान में बिक्री नहीं हो रही, तो हर रोज नित्य कर्म नहीं हो, स्नान उपरांत गीले कपड़ों में 9 मोगरे की पुष्प, 9 मुठी चावल अपने ऊपर 7 बार उसार कर किसी सरोवर या बहते पानी में प्रवाह करें। यदि आपके लिए संभव हो तो लगातार 40 दिन तक दूध का दान दीजिए, आप स्वयं सूर्यास्त के बाद दूध का सेवन नहीं करिए, सफलता मिल जाएगी। नमन। बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों। यदि भूख नहीं लगती है ना, अनार का सेवन करिए, बड़ा अच्छा रहेगा। आम के मौसम में चूसने वाले आम का आधा या पौना प्याला रस सेंधा नमक मिलाकर भोजन से पहले थोड़ा सा पी लीजिए, कुछ ही देर में भूख लगेगी। अद्भुत नुस्खे कभी खाली नहीं गए। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, रुके हुए कार्य बनेंगे, मित्रों से मिलन होगा और मित्रों के सहयोग से संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिलेगा, श्रेष्ठ जनों से सहयोग और सहानुभूति प्राप्त होगी, सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप सफल होंगे, सारा दिन खुशियों से बीतेगा, कहीं कोई परेशानी। हाँ, आय के साधन सीमित हैं तो ताते पाव पसारिए, जाते लंबी चौड़, क्या करें, खान पान के प्रति नियमित रहे, क्या ना करें, अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास ना करें। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले, सितारों की चाल लेकर अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा और अपनों के साथ धोखा न करें, इस बात पर आज ध्यान देना होगा, क्योंकि सितारों की चाल अनुकूल नहीं है, शत्रु गुप्त रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, मान सम्मान की चिंता है, यात्रा में कष्ट है, व्यावसायिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न होंगे और अपनों से धोखा खाना भी संभव है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा, थोड़ी सी सावधानी, छोटा सा उपाय, रोटी पर गुड़ रखिए, भगवान शनिदेव का ध्यान करिए, अपने ऊपर 7 बार उसार कर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, संयम और स्थिरता बनाए रखें, क्या ना करें, किसी पर आरोप और प्रतिरोप आज ना लगाएं। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, समय उत्तम, सितारों का शुभ संकेत, सुफलों की प्राप्ति होगी, जो आपने सोचा वो पूरा होगा, नवीन कार्य के प्रति उत्साह बना रहेगा, नौकरी के क्षेत्र में सफलता हासिल करेगी, आर्थिक परेशानी दूर होगी, दूर स्वजनों और मित्रों से मिलने से मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें, क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद न हो इस बात पर ध्यान रखें। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। मित्र, मेरा तो प्रयास होता है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका होता है। हाँ, मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि यह दर्द आपके पास तो दवा है देवाधिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवाधिदेव श्री शनि धाम, शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तिलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण होगा। हर शनिवार को
चारों आरती में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में रहता हूं। 29 वर्षों की तपस्या से अभिमंत्रित वो जल, वो प्रसाद और वो भस्म आपको मिलेगी। और इस शनि मावस्या पर श्री नील लोहिताय कवच तैयार किया है। 29 वर्षों की मेरी मेहनत है भाई, मैं इसे न तो कोरियर से भेज सकता हूं, मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मुझसे ये मत कहना। जिसको भी श्री नील लोहिताय कवच चाहिए वो संपर्क करे, स्वयं विधिवत तरीकों से पूजन करके मैं आपको दे दूं। श्री नील लोहिताय कवच देवाधिदेव शनिदेव की संपूर्ण साधनाओं का सार है मेरा। और जहां मैं रहता हूं, जैसे मैं आज श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पाली राजस्थान हूं, ये सोजत पाली हाईवे पे गोल निमड़ा पर ये शनिधाम है, अद्भुत स्थान है, मैं आज वहां रहूंगा, वहां आके आप ले सकते हैं। न मना रहे, छोटा सा ब्रेक लूं और ब्रेक के बाद हनुमान जी को कैसे मनाए वो बताऊंगा, जीवन मंत्र प्रभु के दर्शनों के लिए दाती प्रधान ले चलूंगा। न मना रहे, और ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा हो, कार्य में मन नहीं लग रहा हो, अनावश्यक कार्य में परेशानी आ रही हो और कार्य में हमेशा अस्थिरता रहती, आज मंगलवार का दिन है, ये पूजा आज प्रारंभ करें, लगातार 176 दिन करें। प्रत्येक मंगलवार को नित्य कर्म से नियुक्त स्नान उपरांत किसी मिट्टी के पात्र में श्रद्धा द्वारा सिंदूर भरकर हनुमान जी के सामने रख दीजिए। पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षर अर्पित करिए, शुद्ध आसन पर बैठे, ओम सनातनाय प्रभाय नमः, ओम सनातनाय प्रभाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत सिंदूर में चमेली का तेल मिलकर हनुमान जी का अभिषेक कर दें। इस पूजन से धन धान्य में वृद्धि होगी, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा और कारोबार में स्थिरता आ जाएगी। अद्भुत है, जो कभी खाली नहीं गया। नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलवार के जीवन की। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मैं खुद मुस्कुरा के आता हूं। मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कार्ड है। किसी को अपना बनाना हो तो मुस्कुराओ, और किसी के अपने बनना है तो भी मुस्कुराओ। मैं लोगों के साथ रहता हूं, पता है मुझे किसी न किसी चीज का साइड इफेक्ट जरूर है, लेकिन मुस्कुराने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। और आप सबको पता होना चाहिए कि मुस्कुराता हुआ इंसान सभी को अच्छा लगता है, रोता हुआ बच्चा भी बुरा लगता है। एक मनुष्य है जो मुस्कुरा सकता है। क्या मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी जानवर को मुस्कुराते देखा है? जब आप सबको ये मौका मिला कि आप मुस्कुराइए, तो फिर काहे के लिए नहीं मुस्कुरा रहे भाई? मुस्कुराइए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ये समय है प्रभु के दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते दाती धाम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा, 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 हरि ओम
हरि ओम तत्सत् जय शनिदेवा 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 नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन के प्रभु आपका कल्याण करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय, बुधवार का राशिफल, गणपति को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र सुझाव, देसी नुस्खे उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊं। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह, अपने पाप, अपनी भूल की आप सभी लोगों से दिल से माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो।